हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं थोड़ा इधर घाघरा घाट के साइड घूमने के लिए आया था। वैसे मैं आया था एक काम के लिए। पीछे वो जो ब्रिज आप देख रहे हैं वो है लखनऊ हाईवे को जाता है सीधा, और एक रोड गोंडा को अपने जाती है। तो मैं इधर आया था, थोड़ा सा काम था मुझे, तो मैंने देखा थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इधर। वैसे रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इस समय बाढ़ आ चुकी है यहाँ पर, लेकिन मैंने सोचा चलिए घूमते हैं। तो बाइक हम लोगों ने पीछे ही पार्क कर दी है उधर साइड में, और पानी बहुत भरा हुआ था इसलिए हम लोग पैदल इधर थोड़ा इधर घूमने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सुकून बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि वैसे तो पोल्यूशन और मतलब शोर शराबा इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग मतलब कहीं शांति वाली जगह ढूँढ ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है। और अभी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कुछ जगहों को, और अभी कुछ पिक्स भी क्लिक करेंगे क्योंकि आगे यहाँ पे लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कुछ यहाँ के बारे में। ये दूर दूर तक आपको जो दिख रहा है ये सारी पूरी मतलब घाघरा नदी है, और उस साइड आप जो देख रहे हैं उधर की तरफ, उधर ये रोड गई है गोंडा की तरफ, ये ब्रिज है, और इसके उस तरफ जो है वो आपको ट्रेन का ब्रिज देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो रोड है इधर सीधी ये लखनऊ को गई हुई है, और उसके उस साइड ट्रेन का जो ब्रिज है। तो मौसम आप देखिए कितना ज़्यादा अल्टीमेट है, और पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज है क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। तो यहाँ पे वैसे ये पानी काफ़ी ज़्यादा सूखा रहता है, लेकिन अभी बाढ़ की वजह से यहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें हैं। सो हे गाइस, अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ और इधर साइड में मैं अभी यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ हूँ। तो इधर का व्यू आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये भाई साहब पानी में जाते हुए। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। वैसे मौसम तो ऐसा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन अब करें तो करें क्या, जाना तो पड़ेगा ही घर पर। और इस साइड में मछली अभी ऊपर निकली थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर। थोड़ा ऑप्टिकल जूम होता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन फ़ोन से अभी मैं शूट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ लोकेशन है। और अभी मैं फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ कि मैं किधर बैठा हूँ। सो हे गाइस, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ा इस साइड, और इधर का वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस साइड में थोड़ा सा गंदगी भी है क्योंकि यहाँ पर सब लोग आते हैं तो ऐसे ही फेंक देते हैं कोई भी चीज़, तो गंदगी आपको दिख जाएगी नॉर्मली। लेकिन इधर का लोकेशन आप एक बार देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये। इधर पूरा एकदम अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, लग रहा है किसी अच्छी जगह पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे भी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आप देख लीजिए। सो अभी पीछे आप देख सकते हैं सब लोग मछली पकड़ रहे थे, हम लोगों की थोड़ी बहुत कन्वर्जेशन हुई, और काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ इस समय आई हैं क्योंकि बाढ़ की सिचुएशन बनी हुई है। और यहाँ के जो अगल बगल के लोग रहने वाले हैं वो लोग इसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। उन लोगों का मेजर आप कह सकते हैं मेजर मील जो है वो फिश होती है, क्योंकि बगल में ही रिवर है तो इससे फिश निकाल के ये लोग इजीली खा सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि जो बोट चलाते हैं इसमें और जो अगल बगल रहते हैं यहाँ पर खेत वोत में पानी भर जाता है तो खेती भी नहीं कर पाते हैं, तो अच्छा ही है। और बाकी ख़त्म कर रहे हैं फिश को मार के, चलते हैं आगे। हे गाइस, वी आर डन विद दिस। हम लोगों ने पूरा मतलब घूम लिया है मोस्टली प्लेसेस, क्योंकि पानी भरा हुआ है तो आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं, वरना उधर तक जा सकते थे। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से निकलने का क्योंकि हम लोगों को घर भी पहुँचना है और घर से कॉल्स आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ की जो लोकेशन का जो एड्रेस है वो मैं गूगल मैप का लिंक डालने की कोशिश करूँगा। आप लोग यहाँ पर अगर घूमने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं बिल्कुल, और सेफ्टी के साथ आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलमेट लगा के आइए क्योंकि रास्ते में चेकिंग बहुत लगी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो ऐसी वीडियोस घूमने टहलने वाली आपको देखने के लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।